यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। और अगली खबर धर्मशाला से, जहां पर रोजगार कार्यालय में विकास मेले का आयोजन किया गया है और नौकरी के लिए यहां पर साक्षात्कार लिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं और ITI के जो युवा हैं वो यहां पर शिरकत करेंगे, साक्षात्कार देंगे और यहां पर सफल उम्मीदवारों को ही नौकरी मिलने वाली है। विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की यहां पर नियुक्ति होगी और ग्राम स्वराज अभियान की मुहिम के तहत ये जो रोजगार कार्यालय का विकास मेला है इसको आयोजन किया गया है और नौकरी के लिए यहां पर साक्षात्कार लिए जाएंगे। 10वीं 12वीं और ITI के जितने भी युवक होंगे वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में इसकी नियुक्ति होने वाली है और ग्राम स्वराज अभियान की मुहिम के तहत यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी बेरोजगार युवा हैं तो लगता है ऐसे कि यहाँ पर कई युवाओं को नौकरी मिलने के आसार हैं। मनोज धीमान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है तो कितनी आशंका है, कितने युवा जो है यहाँ पर साक्षात्कार पास कर सकते हैं? देखिए कीर्ति, जो रोजगार मेले का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है इसमें सुबह 10 बजे से लगभग भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। काफी सारे युवा युवतियां भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि आज के बेरोजगार जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए ये मेला आयोजित किया गया है और जो रोजगार पाने के लिए युवा और युवतियां यहाँ पहुंच रहे हैं। हालांकि इनको रोजगार देने के लिए बाहरी कंपनी भी यहाँ मौजूद है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनके जो MD है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इंटरव्यू इनके लिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को रोजगार दिया जा सके। साथ ही यहाँ पर ITI से भी बहुत सारे छात्र और छात्राएं यहाँ पहुंचे हैं इंटरव्यू देने के लिए और नौकरी हासिल करने के लिए। जी मनोज, यहाँ पर कितनी कंपनियां आई हैं बच्चों को हायर करने के लिए और कितना टारगेट है कि कितने बच्चों को अपनी कंपनी में नियुक्त किया जाएगा? जी देखिए, जहाँ कंपनी की बात की जाए तो 15 से 20 कंपनी जो है वो यहाँ पर पहुंची है क्योंकि हिमाचल में बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो रोजगार की तलाश में है, बच्चों को रोजगार देना चाहती हैं। वहीं जो है वो तकरीबन 20 लोगों को जो है वो एक कंपनी नियुक्त करेगी। अब देखना ये कि कितने बच्चे जो है वो यहाँ इन प्राइवेट कंपनियों में अपनी जॉब हासिल कर लेते हैं या उनको रोजगार मिल जाता है। हालांकि लोगों को निराश भी लौटना पड़ेगा क्योंकि रोजगार मेला है और यहाँ पर जितनी उनकी जितना उनको चाहिए होगा उतना ही लोगों को वो रोजगार दे पाएंगे। तो कुछ लोग नाराज भी जा सकते हैं और कुछ जो है वो खुश होकर भी इस मेले से यहाँ से रोजगार पाकर अपने घर लौटेंगे। जी, प्रशासन की तरफ से जितने भी बच्चे आए हैं क्या यहाँ पर उनके लिए बैठने का, खाने पीने का इंतजाम अच्छे से किया गया है या फिर नहीं? जी देखिए, रोजगार मिल रहा है, प्राइवेट कंपनीज यहाँ आई हैं। हालांकि खाने पीने की बात की जाए तो खाना पीना तो बच्चों को अपना ही लाना होगा साथ में क्योंकि इंटरव्यू है, प्राइवेट कंपनीज हैं और साथ ही पीने के पानी की बात की जाए तो पीने के पानी की व्यवस्था सही तरीके से की गई है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि कोई हुड़दंगी या कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही यहाँ पर हर एक व्यवस्था को जो है वो ताक पर रख करके व्यवस्था की गई थी ताकि इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात सामने ना आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज धीमान। तो यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, 15 से 20 प्राइवेट कंपनियां जो है यहाँ पर छात्रों को नियुक्त करेगी और एक कंपनी तकरीबन 15 से 20 बच्चों को नियुक्त करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बच्चे जो है यहाँ पर आज, कितने युवाओं को है नौकरी मिल सकती है।